साथियों, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दशकों तक जो अप्रोच रही, उसमें सरकारों द्वारा लोगों की जरूरत से ज्यादा वोट बैंक को प्राथमिकता दी गई। इस वजह से अक्सर ऐसी परियोजनाओं पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए जिनकी उतनी जरूरत ही नहीं थी, और इसी वजह से अक्सर जहां इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए जरूरी होता था उसे नजरअंदाज कर दिया जाता था। गोवा का यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका ही एक उदाहरण है। गोवा वासियों की नहीं बल्कि देश भर के लोगों की ये बहुत पुरानी मांग थी कि यहां एक एयरपोर्ट से काम नहीं चल रहा है, गोवा को दूसरा एयरपोर्ट चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी तब इस एयरपोर्ट की प्लानिंग हुई थी, लेकिन अटल जी की सरकार जाने के बाद इस एयरपोर्ट के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया। लंबे समय तक ये प्रोजेक्ट लटकता रहा। 2014 में गोवा ने विकास का डबल इंजन लगाया। हमने फिर से सारी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की और 6 साल पहले मैंने यहां आकर के इसकी आधारशिला रखी। बीच में कोर्ट कचहरी से लेकर महामारी तक अनेक अड़चनें आई, लेकिन इन सब के बावजूद आज ये शानदार एयरपोर्ट बनकर तैयार है। अभी यहां साल में करीब 40 लाख यात्रियों को हैंडल करने की सुविधा है। आने वाले समय में यह क्षमता 3.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। इस एयरपोर्ट से निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत लाभ होगा। 2 एयरपोर्ट होने से कार्गो हब के रूप में भी गोवा के लिए संभावनाएं बहुत बढ़ गई है। फल सब्जी से लेकर फार्मा प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को इससे बहुत बल मिलेगा।